हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो आज हम निबंध पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व। मानव जीवन में त्योहारों का बहुत महत्व है। त्योहार हमारे अतीत के गौरव व संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं तथा हमारे जीवन को गतिशील करते हैं। त्योहार सामाजिक, धार्मिक व राष्ट्रीय चेतना का विकास करते हैं। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार धार्मिक महत्व के होते हैं, कुछ सामाजिक तो कुछ राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार किसी एक जाति, धर्म या वर्ग विशेष के लिए नहीं होते, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के लिए होते हैं। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस हमारी आज़ादी का पर्व है, जो प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देशभक्त वीरों ने कड़े संघर्ष व बलिदान के द्वारा देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराया था। यह पर्व उसी शुभ दिन की याद में मनाया जाता है। इस दिन राज्य की राजधानियां, जिला मुख्यालयों, विद्यालयों आदि सभी प्रमुख स्थलों पर तिरंगा फहराया जाता है तथा अनेक कार्यक्रम होते हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं तथा राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को देश के सभी प्रांत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु इसका मुख्य आकर्षण नई दिल्ली में किया जाने वाला समारोह होता है। इस दिन इंडिया गेट से निकलने वाली भव्य परेड व झांकियों को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। देश विदेश के गणमान्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंडल के सदस्य, सेना के तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष भी सम्मिलित होते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा साहसपूर्ण कार्य करने वाले देश के नागरिकों को पुरस्कृत किया जाता है। हमारे देश के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को स्वतंत्र कराया। देश के प्रति उनके समर्पण व देशभक्ति को याद करते हुए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को यह देश गांधी जयंती का पर्व मनाता है। इस दिन विद्यालयों तथा सभी प्रमुख स्थलों पर अनेक कार्यक्रम होते हैं। इस दिन महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाता है। राष्ट्रीय पर्व हमें यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की उन्नति से ही हमारी उन्नति हो सकती है। हमें राष्ट्र के हित व गौरव को बढ़ाने हेतु सदैव प्रयत्न करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम रहें ना रहें, ये देश रहे। थैंक यू।